नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सिरमौर के विराट सम्मेलन में गरजे अखिलेश यादव, कहा झूठी भाजपा सरकार जड़ से उखाड़ फेंके। रीवा जिले के सिरमौर विधानसभा में आज समाजवादी पार्टी का विराट सम्मेलन का कार्यक्रम पूर्व सिरमौर विधानसभा के समाजवादी प्रत्याशी जगदीश सिंह यादव के नेतृत्व में हुआ, जहां पर विशाल जन सैलाब देखने को मिला। वही जनसभा को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव शिवराज सरकार को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा और सिरमौर विधानसभा के समाजवादी प्रत्याशी लक्ष्मण तिवारी के पक्ष में वोट करने की बात कही। जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने सीएम शिवराज की बहुचर्चित लाडली बहना योजना के अंतर पर तंज कसते हुए कहा कि 1000 रुपये से काम नहीं चलेगा, अब 1000 से 3000 देने का वादा कर रही है। यदि समाजवादी की सरकार बनती है तो महिलाओं को 6000 रुपये की सम्मान निधि मिलेगी, तब बहनों को सम्मान होगा। समाजवादी अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर हमला करते हुए बोले कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष ने पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जिसे पीएम बनना वह यूपी आ जाए। कई साथी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि जिसको भी प्रधानमंत्री बनना है तो वह उत्तर प्रदेश आ जाए। अगर गुजरात से ही प्रधानमंत्री बनना हो तो पीएम बनने के लिए उत्तर प्रदेश मोदी क्यों आए, क्योंकि वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश को जीते बिना दिल्ली की सरकार नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि लोकसभा में यूपी के सबसे ज़्यादा इंडिया गठबंधन और समाजवादी प्रत्याशी के जीतेगी, तब पीएम दूसरा होगा और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के लोग कहेंगे कि प्रधानमंत्री होगा। आगे उन्होंने कहा कि इंडिया के गठबंधन के अंदर समाजवादी पार्टी भी है, लेकिन समाजवादी पार्टी की लड़ाई अलग रास्ते की ही है। अखिलेश यादव ने कहा कि एमपी की जनता से कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बहुत बेईमान हैं। बीजेपी ने भरोसा दिलाया कि सत्ता आने के बाद किसानों की आय दुगनी हो करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसके बदले महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डीजल और पेट्रोल व खाद्य सामग्री महंगा हो गया। आगे उन्होंने महिलाओं को आरक्षण को लेकर कहा कि पहले बीजेपी खुद लोकसभा और विधानसभा चुनाव में 33% महिलाओं को टिकट दे। मध्य प्रदेश से बीजेपी की दूसरी सूची जारी की गई, लेकिन सूची में महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं मिला। यह भारतीय जनता पार्टी की जो महिला आरक्षण बिल लोकसभा को लेकर आई है, वह इस बिल को अपनी लिस्ट में लाकर दिखाए। बीजेपी अपने आचरण से इस बिल को कभी लागू नहीं करेगी। बीजेपी की दो सूची में कही गई कि दलित आदिवासियों को महिलाओं को मौका नहीं दिया गया है, लेकिन समाजवादी पार्टी 20% आरक्षण महिलाओं को टिकट देगी। भाजपा के इस बिल के पीछे नियत साफ नहीं है। उन्होंने चुनावी जनसभा में जनजाति जनगणना को लेकर कहा कि सरकार बनने पर जनजाति जनगणना कराएगी। जनजाति जनगणना कराने के लिए उन्होंने सदन के अंदर लालू प्रसाद यादव और शरद यादव का भी नाम लिया है। उन्होंने कहा कि उनके संघर्ष को लेकर बेकार नहीं होने देंगे। साथ ही उन्होंने रीवा में निर्मित सोलर प्लांट, जो एशिया का सबसे बड़ा प्लांट है, क्षेत्रीय लोगों को रोजगार को लेकर मध्य प्रदेश सरकार और मोदी सरकार पर जमकर बरसे हैं। बने रहें था खबरदार न्यूज के साथ, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।